नमस्कार, मैं अफजल अली और आप सब देख रहे हैं ए फोटो एंड फिल्म्स। जी हाँ दोस्तों, आज यह मेरा पहला ब्लॉग है कैमरे सेटअप के दौरान। जी हाँ, आज हम लोग पहुँचे हुए हैं जनवरी महीने के पहले शादी फंक्शन को अटेंड करेंगे, अपने कैमरे में कैद करेंगे और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का वीडियो, तो बने रहिए अंत तक। ये लोकेशन गजब का लोकेशन है, बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम होने वाला है। ये देख रहे हैं इतने लंबाई चौड़ाई में ये सब हो रहा है तैयारियां। ये डीजे साउंड सर्विस, सब कलाकार लगे हुए हैं, ये काफ़ी है। कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न यहाँ मिलेगा, मसाला डोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, फूड कॉर्नर है। अभी ये सेटअप तैयार हो रहा है, ये स्टैंड लगा जा रहा है टीवी के लिए, एलईडी वॉल के लिए, और ये खाने का प्रोग्राम यहाँ बनेगा। जैसे यहाँ कलौजी मिलेगी, यहाँ गुलाब जामुन मिलेगा, आलू गोभी मटर मिलेगी, मिक्स वेज मिलेगा, आलू पालक बैंगन मिलेगा, लहसुन करी मिलेगा, मटर पनीर, दाल चावल और अन्य प्रकार की सामानें खाने के लिए मिलेगी। और ये प्रोग्राम जब फंक्शन चालू होगा तो आप लोग को खाने को मिलेगा, तो बने रहिए अंत तक। और देखिए हम लोग का सेटअप कैसे तैयार हो रहा है, ये डीजे का सेटअप तैयार हो रहा है। देखिए कैसे कैसे लाइट और डीजे का वार कैसे तैयार होगा, ये बनाया जा रहा है। ये देखिए आप सब डेकोरेशन, टेंट का, लाइट का, एक एक चीज़ों पे बारीकी से ध्यान दिया गया है। ये घर है, यहाँ पे तिलकोत्सव का प्रोग्राम संपन्न होगा। यहाँ खाना बन रहा है, पनीर, ताजी ताजी पनीर छानी जा रही है तेलों में और इसकी सब्जी बनेगी। ये यहाँ बन रही है, हलवाई लोग तैयार हैं और ये मटर पनीर बनकर तैयार हो गई। और ये रसगुल्ले कितना अच्छा, ये हमारे ड्रोन का पहला शॉट, आप लोग देखें कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रोन को उड़ा दिया है 500 मीटर की ऊंचाई पर। ये घर का डेकोरेशन आप लोग देख रहे हैं, यहीं पे हम लोग का कैमरा सेटअप होगा, DSLR से लेकर वीडियो कैम से लेकर वीडियो के लिए हैंडी कैम। ये ड्रोन का शॉट है, फुल्ली एंजॉय के साथ हम लोग यहाँ कैद करेंगे यहाँ के प्रोग्राम को। और यहाँ होने वाला है तिलक के प्रोग्राम में ड्रोन, गिम्बल, DSLR, वीडियो, अन्य प्रकार के डीजे लाइट से लेकर प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ किया जाने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपने इस भाई को प्यार दुलार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।